स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान की पूरा संत समाज, पूरा हिंदू समाज और ख़ास तौर से मैं साध्वी गीता घोर निंदा करती हूँ। ये बयान अशोभनीय है। हिंदू देवी देवताओं के प्रति, हमारे धार्मिक ग्रंथों के प्रति इस तरह की जो बयानबाजी स्वामी प्रसाद मौर्य जी करते हैं, पूर्व में भी उन्होंने हमारे रामचरितमानस के प्रति अशोभनीय बयान दिया था। और माता लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि का प्रतीक हैं, पूरे हिंदू व्यक्ति, हिंदू सनातन लोग माता लक्ष्मी के, जो भी हिंदू देवी देवता हैं, हम सब लोगों की उनमें विशेष श्रद्धा, विशेष विश्वास और विशेष आस्था है। हमारी आस्था को जो ठोस पहचाने का काम करेगा, ऐसे देशद्रोही व्यक्ति को जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ना शकल अच्छी ना अकल अच्छी, नेवले जैसी शकल है, वो अपने आप को खुद भी नेवला बोलते हैं, ऐसे नेवले व्यक्ति का तो सर कलम कर देना चाहिए। पूरा सनातन धर्म जो है, संत समाज सड़कों पर उतरेगा और हम सब लोग इस बयान की घोर निंदा करेंगे। सरकार से भी हम सब लोग निवेदन करते हैं कि स्वामी प्रसाद जैसे नेवले के प्रति सरकार ठोस से ठोस कदम उठाए, वरना ये संत समाज सड़कों पे उतरेगा। और जैसे मैं साधारण सी एक साध्वी हूँ, मैं जैसी छोटी सी साध्वी हूँ, मैं ही स्वामी प्रसाद जैसे मौर्य के सर को कलम करने का कार्य करूँगी, क्योंकि ऐसे देशद्रोही, ऐसे नेवले को भारत देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति को पाकिस्तान जाना चाहिए जो हमारे हिंदुस्तान में रह रहा है, हिंदुस्तान के ग्रंथों की वो विरोध कर रहा है, हिंदुस्तान के देवी देवताओं जो जिनमें सनातन धर्मियों की, साधु संतों की आस्था है, उस आस्था को स्वामी प्रसाद ठेस पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। उन्हें धक्के मार के इस देश से निकालना चाहिए। अखिलेश यादव जी से भी मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे नेवले को अपनी पार्टी से निकालें, लेकिन मुझे लगता है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोल रहे हैं वो कठपुतली हैं एक प्रकार से, और वो ये स्वयं अखिलेश यादव जी का बयान है। मुझे लगता है वो हिंदू है ही नहीं, उन्हें अपना डीएन टेस्ट कराना चाहिए। डीएनए टेस्ट में पता चलेगा कि वो हिंदू हैं या मुस्लिम, क्योंकि वो हिंदुओं में आस्था ही नहीं रखते। हिंदू देवी देवताओं का, हिंदू ग्रंथों का, हिंदू जो भी हमारे आयोजन होते हैं, हमारे कार्य होते हैं, उन सब का वो विरोध करते हैं। और पूरा संत समाज और पूरा सनातन धर्म इस बयान की घोर निंदा करता है। और माता लक्ष्मी हमारी रिद्धि सिद्धि का प्रतीक है, हम सब की उसमें विशेष श्रद्धा, विशेष विश्वास और विशेष जो है आराधना है हमारी।